मीडिया के खास कार्यक्रम पोल खोल में एक बार फिर हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम धनबाद के विभिन्न वार्डो में जाते हैं और वहां पर क्या कुछ विकास हो रहा है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसी क्रम में अभी हम मौजूद है धनबाद के वार्ड नंबर 24 सराय ढेला न्यू कॉलोनी में। हमारे साथ यहाँ की जनता मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ यहाँ पर विकास हुआ है। जी, क्या कुछ विकास हुआ है? कहीं कुछ नहीं विकास हुआ है। देखिए, एक तो मेन तो प्रॉब्लम है लेटरिन चैम्बर का, ये अढ़ाई साल से वैसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ का पब्लिक को इतना ज़्यादा तकलीफ है जो बोल करके बुझा समझा नहीं जा सकता है। यही मेन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है लेटरिन के चैम्बर को बनवाना। अच्छा, ये हम लोग का सबका आग्रह है। ठीक है, और क्या दिक्कतें हो रही हैं मैम यहाँ? मतलब ये दिक्कत होता है ना कि जो चैम्बर है, जो नाली भी अभी तक बनाया नहीं गया। सभी वार्ड में काम हुआ है, हमारे वार्ड में यहाँ नाली भी नहीं लगा बनाया गया है, ना ये चैम्बर में काम हुआ, ना एक स्ट्रीट लाइट भी दिया गया है। और सब जगह लाइट की व्यवस्था की गई है, पूरा एरिया अंधेरा रहता है, यहाँ किसी तरह का लाइट भी नहीं दिया गया, ना कभी नाली की व्यवस्था हुई। जनप्रतिनिधि कभी आते हैं जैसे? नहीं मैडम, सिर्फ जब जब इलेक्शन होता है तभी वो लोग आते हैं डोर टू डोर, और कभी नहीं आते हैं पूछने के लिए, या उनके पास जाके भी हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं किया जाता है। ठीक है जी, आप बताइए क्या दिक्कत हो रही है? हम लोग को सीधी गंदगी से एकदम बर्दाश्त नहीं होता, इसमें सुअर भी कुत्ता भी सब गिर जाता है, मर जाता है, गंदगी पूरा फैलता है इससे। ठीक है, मतलब इससे हम लोग का दिक्कत होता है। जो टैंक है वो नहीं, वो टूटा हुआ है। हाँ जी, नाली की दिक्कत है। आप नाली का भी दिक्कत है, नाली में भी गंदगी पूरा आती है क्या? जो हर नहीं 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 यहाँ नहीं आती है, नगर निगम नहीं नहीं आती है। हमारे पीछे साइड में चैम्बर है, उस सफाई नहीं है, गंदगी है और नाली गंदगी है। हम लोग जाने बहुत दिक्कत होता है, वहाँ का आता है बहुत खराब है। मतलब साफ सफाई नहीं होता? नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता। ठीक है, और बिजली पानी वगैरह का क्या स्थिति है यहाँ पे? बिजली है, पानी है, इस तरह से? इसका पानी का अपना साधन, पानी हम लोग मांग के ले आए हैं, पानी हम लोग अपना ले आए हैं, निजी ले आए हैं, तब पानी चल रहा है। ठीक है, मतलब पानी का भी दिक्कत है यहाँ। टोटल में एक सैनिटरी टैंक हो गया, यहाँ पे दिक्कत नाली है और एक स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो जनप्रतिनिधि सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है, जनप्रतिनिधि आते हैं क्या? नहीं आते हैं, कभी नहीं आए, नहीं आते हैं। इलेक्शन के बाद एक बार भी नहीं आते, एक तो देखने की भी नहीं आते बुलाने। अभी जब चुनाव आएगा तो अब तो आप लोग मिल सकते हैं उनसे, या फिर जो लोग वोट लेने के लिए आएंगे, मांगने के लिए आएंगे, उनको बोलना पड़ेगा किस तरह की दिक्कत है। तो बोलते ही हैं हम लोग, बोल रहे हैं। ठीक है, बोल सकते हैं कि काम किया जाएगा या क्या? मतलब उनसे क्या आप सोच रहे कि काम होगा कि नहीं, क्या ये करना चाहते हैं, फिर कुछ अपील करना चाहते हैं? तो दो साल से ऐसा ही चल रहा है, हम लोग कितना देखे परिश्रम किए, तगादा किए, एप्लीकेशन दिए, लेकिन होगा होगा बोल के यहाँ कबर शेर से भी बार बार जाकर मिले है ना, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। बोलते टेंडर हुआ ऐसे करके हम लोग को लौटा। हम लोग मैडम यहाँ रोड पे आपका मिट्टी भर के, जैसे वहाँ प्रॉब्लम हो जाता था, गड्ढा जाता था, तो खुद से ट्रैक्टर से मिट्टी मतलब भर सड़क भी नहीं है। हाँ, बनवाए तो नीचे का क्या हुआ ना, थोड़ा कुछ फीट का सड़क को ऐसे ही छोड़ दिया गया। हम लोग कंप्लेन भी किए तो बोले अब हो जाएगा, तो अब तक एक साल हो गया, अब तो कोरोना काल हो गया, इससे पहले भी हो जाए, मिट्टी भरवाए उन्होंने, वो मिट्टी को काट दिया, जैसे जल जमाव। मतलब आप लोग अपनी तरफ से मिट्टी डलवाए? हाँ, डलवाए थे। हाँ, नगर निगम वाला ही कटवा दिया। मेन बात देखिए, रोडवा नगर निगम का आदमी बनाया, लेकिन कुछ पोर्शन को गड्ढा करके ही छोड़ दिया, उसको हम लोगों को आपने से मिट्टी भरवाना पड़ा और उसको भी गड्ढा कर दिया फिर से। तो आपने देखा कि वार्ड नंबर 24 में क्या कुछ दिक्कतें हो रही है। यहाँ पर जो नाली है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, नगर निगम की गाड़ी नहीं आती है, स्ट्रीट लाइट नहीं लगे हैं, सड़क नहीं बनी है, पानी भी नहीं आता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की समस्याओं से यहाँ की जनता को जूझना पड़ रहा है। आशा करते हैं कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम ये मैसेज यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है, जो पार्षद है, वहाँ तक उन तक पहुँचा सके कि यहाँ पर जनता को क्या कुछ दिक्कतें हो रही है। साथ ही जनता को भी हम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी परेशानियों को जनप्रतिनिधि तक आराम से पहुंचा सके। आशा करते हैं कि मिरर मीडिया के इस कार्यक्रम को आप पसंद करेंगे। सहयोगी विक्रम के साथ सुचिश्मिता, मिरर मीडिया, धनबाद।